कि टीवीएस सप्लाई चेन शेयर को। लॉजिस्टिक, अच्छा टीवीएस सप्लाई चेन। बिल्कुल सही अरे अनिल जी, वाह वाह, बिल्कुल सही, वेरी बिल्कुल सही। हाँ अनिल जी, बिल्कुल आज खरीदारी करने की सलाह टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, जो टीवीएस एससीएस के नाम से ट्रेड होता है। 210 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी ये स्टॉक। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 रुपए के, और छोटा स्टॉप लॉस 205 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। एक टीवीएस ग्रुप की कंपनी है और हाल ही में आईपीओ आया था एट 197 के लेवल्स पे, और जैसे मैं कह रहा था जितनी इससे उम्मीदें थी उस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बट स्टॉक का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था। बट मुझे लगता है ये जो हाल ही की गिरावट के बाद इसने लिस्टिंग के बाद 258 260 तक के हाइज किए, वहां से करेक्ट होकर इन लेवल्स पे है, बट बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आ गया है स्टॉक। ये कंपनी एक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 70% से ज्यादा इनका रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज से आता है, और बाकी 30% डोमेस्टिक मार्केट से आता है, जो कि अब ये डोमेस्टिक मार्केट में भी अपना जो शेयर है वो बढ़ा रही है। कंपनी 26 से ज्यादा देशों में काम करती है, 8,800 से ज्यादा इनके कस्टमर्स है, उसमें 70 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज है जो इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, डेमलर है, सोनी, फिर हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, इन तरह की कंपनियों को कैटर करती है। और ये आपने इन कंपनी का मैनेजमेंट से बात करी थी न्यूज पर व्यूज पे, तो मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखता है कि जो अपने रेवेन्यूज है उसको आने वाले 2-3 साल में डबल कर सकता है। मतलब जो आज 10,000 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू है वो बढ़ के 20,000 करोड़ हो सकता है 2-3 साल में। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, और हाल ही में जो G20 की समिट हुई उसमें भी जो पोर्ट्स और शिपिंग कॉरिडोर की बातें हुई है, या ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो इंटरनेशनली काम होगा, उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक है, और यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड लगती है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 230, स्टॉप लॉस ऑफ 205। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस सप्लाई चेन, पहला स्टॉक जहां पर सेठी साहब की खरीदारी करनी की राय।